हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पॉलीनोमियल चैप्टर के एमसीक्यू करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपके पास सामने जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है जीरोज ऑफ पी एक्स, पी एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 27 है। आपको याद रखना है, जब भी आपको जीरोज फाइंड आउट करना है आपको पूरे पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 27 को मैंने जीरो के इक्वल कर लिया, तो आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 27। इस साइड से जब स्क्वायर हटाओगे तो दूसरे साइड जाएगा तो वह स्क्वायर रूट चला जाएगा, ये स्क्वायर रूट 27 हो गया। और जब भी स्क्वायर दूसरे साइड स्क्वायर रूट बनता है उसके आगे एक प्लस और एक माइनस का साइन आ जाता है। तो ये एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, 27 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 3 × 3 × 3 लिख सकते हो। यहाँ से इस पेयर से आप 3 बाहर निकाल सकते हो और रूट के अंदर 3 बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस रूट, यानी कि इसके जो जीरोज है एक प्लस का और एक माइनस का 3 रूट के, जो कि ऑप्शन बी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आपके सामने पॉलीनोमियल है और आपको जीरोज ऑफ पी एक्स यानी कि इसके जीरोज फाइंड आउट करना है। तो सेम वही तरीका, जीरोज पता करना है तो इस पूरे पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल, तो ये ए एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस बी। यहाँ ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आया तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी माइनस बी बाई ए, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर इस पूरे पॉलीनोमियल का आपको जीरोज फाइंड आउट करना है। ओके, तो फाइंड आउट करते हैं। जीरोज फाइंड आउट करने का एक ही तरीका, पूरे पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल कर देना। तो मैंने इस पूरे पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल कर दिया। यहाँ इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 6, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 6, डिवाइड करेंगे तो 6 × x² 6x², यहाँ डिवाइड करेंगे 1 × 1 तो 1 ही हो जाएगा, उसको x से मल्टीप्लाई की तो x हो गया, डिवाइड करेंगे 6 6 2 2 है इक्वल टू 0। ये आ गया, ये 6 डिवाइड उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 6x² + x − 27 = 0। ओके, अब आप जब इसको स्प्लिट करोगे बीच वाले को तो ये लिख सकते हैं आप 9x − 8x − 12 = 0। ओके, यहाँ से आप 3x कॉमन लोगे तो यहाँ 2x बचेगा प्लस 3, यहाँ से आप माइनस का 4 अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ 2x बचेगा और यहाँ प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 2x प्लस 3 कॉमन ले लिए, यहाँ आ गया 3x − 4 = 0। दोनों को बारी बारी से जब आप 0 के इक्वल करोगे तो एक यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा −3/2 और एक आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो −3/2 और 4/3 जो है आपका ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया पी एक्स एक पॉलीनोमियल है जिसका डिग्री 1 है। ओके, और पी ए इक्वल टू 0, यानी कि उसमें जब मैंने ए रखा एक्स के जगह पे जहाँ एक्स था उसके जगह पे मैं ए रखा तो ये रिजल्ट 0 दिया। इसका मतलब ए रखने पे इसका रिजल्ट 0 हो रहा है, इसलिए ए को हम क्या बुलाएंगे, ए को हम बुलाएंगे जीरोज ऑफ पी एक्स, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, ये ऑप्शन ए हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ, बोला जा रहा है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे पूछा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो x² − α + β × x + α β के फॉर्म में होता है। इसे मैं चाहूँ तो किसी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि एक्चुअल बोला जाए तो ये x² − ये सम ऑफ जीरोज को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ लिखते हैं अल्फा बीटा का मतलब हो गया यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखते हैं, और चाहे तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ये x² हो गया। अगर आप देखोगे तो सम ऑफ जीरोज दिया हुआ कितना 2, तो सम ऑफ जीरोज की जगह हमने 2 रख दिया तो ये 2x हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह पे 1 दिया हुआ तो +1 हो गया, यानी x² − 2x + 1। ओके, इसे हम चाहे तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ कांस्टेंट की जगह पे केवल 1 लिख कर मल्टीप्लाई किया गया तो x² − 2x + 1, और ये मेरा ऑप्शन मैच कर जाना है, ये ऑप्शन ए। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, हो सकता है इसी को के जगह, यानी कि जो के का वैल्यू इस केस में 1 आया, किसी कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई करके ऑप्शन दे सकता है, किसी में 1/2 से मल्टीप्लाई करके, किसी में 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ऑप्शन मैच करते समय आप आगे से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉलीनोमियल दिया हुआ है जिसका जीरो जो है वो -3 और 4 है,
तो जब आप सम ऑफ जीरोज निकालोगे, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, तो ये -3 + 4 होगा जिसका वैल्यू आ गया 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा वो हो जाएगा -3 × 4 यानी कि -12। अगले पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा, ठीक है, तो इस फॉर्म पे पुट अप कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देखें k तो कांस्टेंट रहेगा ही, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स था तो सम ऑफ जीरो वन है तो 1 × x एक्स हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह पे -12 रखेंगे, ठीक है, तो ये आ रहा है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ठीक है। ऑप्शन अगर मैच करने जाए तो एक्स स्क्वायर अगर 1 से के का वैल्यू अगर 1 का मैच करते हैं तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो आप देखोगे कि यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस प्लस है, जब भी मेरे क्वेश्चन में जाया वो दोनों जगह माइनस आया, ठीक है, तो दोनों जगह माइनस इस केस में है, तो ये क्या, तो देखोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो मैं के का वैल्यू अगर 1/2 रख दूँ यानी 1/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 1/2 से अगर मैं इसको पूरा पॉलीनोमियल जो आया था इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 और ये -6, यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। तो आप ध्यान रखेंगे कभी कभी किसी कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके ऑप्शन दे देता है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन 7 में दिया गया है कि 0 जो है वो -2 और 5 है, पूछा जा रहा है इसके कितने पॉलीनोमियल आप बना सकते हो। तभी हमने सीखा कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करने का तरीका। तो इससे तो आपको एक जब सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिल जाएगा तो आप एक पॉलीनोमियल तो फाइंड आउट कर लोगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद से आप कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके अलग अलग पॉलीनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो। जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे एक अलग फॉर्मेट मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ और दिखेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ और, ऐसे तो मैं बहुत सारे पॉलीनोमियल फाइंड आउट कर सकता हूँ, इनफाइनाइट पॉलीनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब इस ऑप्शन से जो मैच हो रहा है वो तो हो रहा है मोर देन 3, ओके, आई होप ये क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने फाइंड आउट कर सकते हो अगर डिग्री 4 हो। अब याद रखेंगे अगर लीनियर फॉर्म है यानी कि डिग्री जो है 1 है, यानी कि जैसे एक्स प्लस 5 है, ठीक है, तो इसके मैक्सिमम आप एक जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं, केवल कितने 1 जीरो, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो 1 है। वही अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है इस फॉर्मेट में है तो यहाँ क्वाड्रेटिक है तो इसके मैक्सिमम आप 2 जीरो फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि जितनी डिग्री होती है उतनी ही मैक्सिमम आप जीरो फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ डिग्री 4 दिया गया यानी मैक्सिमम आप 4 जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ दिया गया है इफ 1 0 जब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन फाइंड k, वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है। एक जीरोज दे दिया है कि 2 जो है वो जीरोज है, ओके, और इसमें अंदर एक मिसिंग टर्म है यानी कि एक टर्म के वैल्यू गायब किया हुआ जिसकी जगह पर लिख दिया कि और कुछ इस k के जगह पे कौन आएगा। 2 अगर जीरोज है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पॉलीनोमियल में अगर मैं वेरिएबल के जगह पे यानी कि x के जगह पे अगर मैं 2 रखूँ तो रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा क्योंकि 2 जीरोज है। तो रख देते हैं 2x² + 3 × 2 प्लस के, ये जो रिजल्ट देगा ये रिजल्ट कितना देगा 0 क्योंकि 2 जीरोज है। तो ये 4 + 6 + k = 0, 6 + 4 = 10, 10 + k = 0, तो k का जो वैल्यू आ गया वो आ गया -10, तो ये हो गया ऑप्शन बी, ओके। चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ दिया गया है कि इफ द जीरो जब द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 × x + b आर 2 and -3 दे, तो a और b के बारे में फाइंड आउट करने हैं। 2 और -3 जो है वो जीरोज है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 को रखूँ तो इसका रिजल्ट मुझे पता है कि 0 आएगा, तो 2 को रखते हैं। जैसे ही 2 को हमने रखा तो ये हो जाएगा x के जगह 2² + a + 1 × 2 + b, और ये 0 होने की वजह से रिजल्ट कितना देगा 0 देगा। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 2² 4, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a + 2 + b = 0, ओके। इसे सॉल्व करना है 2a + b को साथ में कर लेते हैं, ये 4 और 2 मिलकर 6 हो गया, जो दूसरे राइट हैंड साइड में जाएगा तो -6 हो जाएगा। ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है।
सेकेंड में अगर देखोगे माइनस थ्री जो है वो इसके जीरोज हैं, तो माइनस थ्री को अगर रखेंगे तो भी रिजल्ट जीरो होगा। तो माइनस थ्री को रख देते हैं वेरिएबल की जगह पे, तो माइनस थ्री स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू माइनस थ्री प्लस बी, तो ये रिजल्ट कितना देगा, ये रिजल्ट देगा जीरो। माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री ए, माइनस थ्री में वन से मल्टीप्लाई किए तो माइनस थ्री प्लस बी इक्वल टू जीरो। ओके, इसे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस थ्री ए प्लस बी, नाइन माइनस थ्री सिक्स हो जाएगा प्लस सिक्स, तो राइट हैंड साइड में अगर भेजेंगे तो माइनस सिक्स के फॉर्म में जाएगा। मेरे पास ए और बी के फॉर्म में दो लीनियर इक्वेशन आ गए। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। ओके, ये माइनस थ्री ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सिक्स है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, इसका भी साइन चेंज होगा प्लस का, ये भी प्लस का, माइनस सिक्स प्लस सिक्स तो कैंसिल हो गया, यानी कि इक्वल टू में आया जीरो। प्लस भी माइनस भी, ये भी कैंसिल हो गया, टू ए और थ्री ए, ये फाइव ए हो गया, तो ए का वैल्यू जो आ गया वो आ गया जीरो फाइव, यानी कि जीरो। अब आप इस ए का वैल्यू पुट कर लो किसी भी या तो इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकेंड में, तो मैं फर्स्ट में पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो टू इंटू जीरो प्लस बी इक्वल टू माइनस सिक्स हो जाएगा, ये तो जीरो होने वाला, और जीरो को आपस बी में ऐड करेंगे तो बी आ जाएगा, तो बी का वैल्यू क्या आ गया माइनस सिक्स, तो बी मैंने माइनस सिक्स और ए का वैल्यू जीरो, जो कि ऑप्शन डी में है। ओके, 11 नंबर करते हैं। यहाँ दिया गया है इफ अल्फा एंड वन बाई अल्फा आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन सी इज, ठीक है, यानी सी का वैल्यू पूछ रहा है कि सी किसके इक्वल होगा। तो यहाँ अल्फा और वन बाई अल्फा मेरे पास जीरोज दिया हुआ है। ठीक है, आप अगर देखोगे, अब अगर ऐड करोगे तो ये सम ऑफ जीरोस कहलाएगा, जो इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपने पढ़ा हुआ है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने टाइम होगा क्या, ये अल्फा और वन बाई अल्फा कैंसिल हो सकता है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो क्या होगा कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस कंसेप्ट का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक जीरोज अल्फा है और दूसरा जीरोज वन बाई अल्फा है, तो अल्फा इंटू वन बाई अल्फा, कॉन्स्टेंट टर्म मेरा सी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये अल्फा और वन बाई अल्फा कैंसिल होकर वन आ गया, तो वन इज इक्वल टू सी बाई ए। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो मुझे यहाँ मिल जाएगा कि ए इक्वल टू सी। यहाँ पूछा गया कि C का वैल्यू क्या होगा, तो C का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा A, यानी कि मेरा ऑप्शन हो गया ऑप्शन B। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है इफ वन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज जीरोज, इसका मतलब ये अल्फा जो है वो जीरो है और मुझसे पूछा जा रहा है फाइंड द अदर जीरोज, यानी कि मुझसे बीटा पूछा गया है। ओके, मुझे पता है अगर मैं सम ऑफ जीरोज लिखूं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ जीरोज जो होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस कंसेप्ट का अगर मैं यूज करूंगा तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा इक्वल हो जाएगा माइनस, इस केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है जीरो, तो जीरो प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ से मुझे बीटा पता चल गया माइनस बी बाई ए, यानी अदर जीरो जो है दूसरा जीरो जो कौन है माइनस बी बाई ए है, यानी कि ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी देन अल्फा प्लस बीटा, सेम वही चीज, अल्फा बीटा जीरोज है यानी कि सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज हमने अभी देखा, ठीक है, ये क्या होगा सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है इस केस में, एक्स का कोफिशिएंट अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे माइनस बी है, तो माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है।
इसे सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस बी बाई ए, यानी कि इस केस में अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, बी बाई ए, यानी कि ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके सामने, इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल 3x² + 8x + k इज रेसिप्रोकल। देखेंगे एक जीरोज जो है वो दूसरे जीरोज का क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर एक जीरोज अल्फा है तो दूसरा जीरोज 1/α होगा। ओके और अगर आप सम करते हो तब तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अगर वही मैं प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ तो अल्फा इंटू 1/α 1 हो जाएगा, इसलिए मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यूज करूंगा, जो कि होता है कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कॉफिशेंट ऑफ x². प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू 1/α होगा, कॉन्स्टेंट टर्म अगर आप यहाँ जाके ढूंढो तो कॉन्स्टेंट टर्म k है, कॉफिशेंट ऑफ x² अगर आप देखोगे तो यहाँ 3 है, ये दोनों कैंसिल होके 1 दे देगा, तो 1 = k/3 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैंने किया तो k का वैल्यू आ जाएगा 3। ओके यानी कि ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 15 में भी सेम चीज है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन यानी कि पॉलीनोमियल यहाँ दिया हुआ है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, ये भी क्या है, एक जो रूट्स याद रखेंगे, ये एक्चुअल में इक्वेशन लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। ओके तो जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा ना, जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा आप वहां पे वो रूट्स लिखेगा, उस केस में यहाँ रूट्स लिखेगा। आप समझो कि ये पॉलीनोमियल इक्वल टू, अगर जीरो हटा दोगे तो ये पॉलीनोमियल का केस हो जाएगा, तो उस केस में ये जीरो आप मान लोगे। ठीक है, तो अगर वो रूट लिखा हुआ है तो आप वो समझो कि वो जीरो ही है, तो एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा जीरो जो है 1/α होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने पढ़ा हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है कॉन्स्टेंट टर्म, इस केस में कॉन्स्टेंट टर्म 3 है, डिवाइड बाई कॉफिशेंट ऑफ x² - 1 है, यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे अल्फा इंटू 1/α इक्वल टू 3/(k-1), एक कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो 1 = 3/(k-1) क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो k-1 का वैल्यू 3, तो यहां से आपका k का वैल्यू हो जाएगा 3+1 यानी कि 4, यानी कि ऑप्शन सी। ओके चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है -1 is a zero of the polynomial x² - 7x - 8, find the other zeros। देखेंगे एक जीरो ऑलरेडी मेरे पास है, यानी कि अल्फा का वैल्यू मैं बोल सकता हूँ मेरे पास है, और मुझे फाइंड आउट करना है बीटा। ठीक है, मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अल्फा प्लस बीटा यूज कर लूँ, या फिर अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मैं चाहूँ तो सम ऑफ जीरो यूज कर लूँ और चाहे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूज कर ले, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस केस में सम ऑफ जीरो यूज कर लेता हूँ, जो इक्वल होता है माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कॉफिशियंट इस केस में -7 है, डिवाइड बाई कॉफिशियंट ऑफ x², और x² का कॉफिशियंट यहाँ पे 1 है, जो इक्वल हो जाएगा 7 के। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा का वैल्यू तो -1 दिया हुआ है और मुझे बीटा फाइंड आउट करना है, ये हो गया 7, तो यहाँ बीटा का वैल्यू जो हो जाएगा 7+1 हो जाएगा, यानी कि 8। आप चाहते तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के भी फॉर्म से निकाल सकते थे, एक बार इसको भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा वो होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -8 है, डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x² जो कि 1 है, यानी कि ये -8 हुआ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू -1 और ये हो गया बीटा के साथ मल्टीप्लाई, ये -8, माइनस से ये माइनस कैंसिल, यानी कि बीटा का वैल्यू 8, यानी अदर जीरो जो है वो 8 है। अब दोनों में से कोई भी कंडीशन यूज कर सकते थे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ दिया गया है इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी क्या बोल रहा है कि सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो भी आएगा, ठीक है, इसके जीरोज मैंने मान लिया अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है। ओके
तो बोला है कि के का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो कि ये होता है माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स। तो माइनस लिखे हमने, कॉफिशियंट ऑफ एक्स जाकर देखा तो 2 है, डिवाइड बाई कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने जाकर देखा तो के है, तो डिवाइड बाई कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो होगा कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ 3k है, डिवाइड बाई कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि के है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2k माइनस 2k इज इक्वल टू 3k स्क्वायर हो जाएगा। ओके तो ये हो गया 3k स्क्वायर, इस साइड आ जाएगा तो प्लस 2k इक्वल टू के प्लस 0 हो जाएगा। मैं चाहूं तो k कॉमन ले सकता हूं, तो 3k प्लस 2 इक्वल टू 0, बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो k इक्वल टू 0 हो जाएगा एक केस में, और एक केस में हो जाएगा 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू आ गया -2/3। ओके और ये k इक्वल टू 0 याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है यानी किसी भी तरीके से x स्क्वायर का जो कॉफिशियंट होगा वो 0 तो नहीं होगा, यानी कि यहाँ से मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि k नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तो ही जाके ये क्वाड्रेटिक होगा। अगर ये k 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रहा ही, ठीक है, क्योंकि अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये गायब हो जाएगा टर्म, केवल 2x, और ये तो भी गायब हो गया, केवल 2x बचेगा जो कि लीनियर हो जाएगा, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में ये साफ साफ दिया गया कि कौन सा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसका मतलब के नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस वजह से मेरे पास जो फाइनल आंसर होगा वो केवल क्या होगा, के इक्वल टू -2/3, यानी कि ऑप्शन डी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, अल्फा और बीटा जो है इस पॉलिनोमियल के किसी पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज है, और इस तरीके कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा को जब हम ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, और अल्फा में से बीटा को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेलेक्ट करो जिसके जीरो जी अल्फा और बीटा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा 24 है और अल्फा माइनस बीटा 8 है। ओके अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, अगर मैं सिंपली से ऐड कर देता हूं तो बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और तो अल्फा मिलेगा और बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हो। फिलहाल हमें क्या पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पता करने का जो तरीका है वह है x² - α+β (x+α β), यानी कि मुझे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो 24 है, मैं रख सकता हूँ x² - 24 × x, और प्लस अल्फा बीटा की जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि इस तरह से मिलता जुलता ऑप्शन तो केवल एक ही है, ऑप्शन बी, लेकिन फिर भी मैं इसे सॉल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, मैं एक्चुअल में इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा है, ठीक है। ये अल्फा और अल्फा 2α हो जाएगा और ये हो जाएगा 32। तो यहाँ से जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो 16 आएगा। अगर 16 को मैं यहाँ ले जाकर पुट कर दूँ इस इक्वेशन में तो 16 + β जो होगा वो 24 होगा, तो बीटा का जो वैल्यू आएगा 24 - 16 यानी कि 8 हो जाएगा। ओके तो अगर मैं अल्फा बीटा फाइंड आउट करूँ तो ये 16 × 8 हो जाएगा जो कि होगा 128। तो अल्फा इंटू बीटा पता है मुझे, 128 में ले जाकर यहाँ पुट कर दे रहा हूँ 128। तो आप देख सकते हो कि जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल चाहिए हमें वो कौन है, x² - 24 x + 128, यानी कि ऑप्शन बी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा जो है वो जीरोज हैं x² - 16 के, मुझे अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू चाहिए। अगर आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करने जाओगे यानी सम ऑफ जीरोज, जो कि होगा क्या, माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स, और इसके अंदर तो एक्स गायब है। एक्स गायब तभी हो सकता है जब एक्स को 0 के साथ मल्टीप्लाई हो। ओके यानी कि इस केस में x² का जो कॉफिशियंट है वो 0 है, तो माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉफिशियंट ऑफ x² जो कि 0 होगा, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो c/a यानी -16/1 यानी कि 6 - 16। ओके तो जब आपको बोला गया अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करने के लिए,
अल्फा इंटू बीटा कुछ भी हो, अल्फा प्लस बीटा जीरो है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो ही जाएगा। फिलहाल माइनस 16 इंटू जीरो, ये क्या हो गया, जीरो, यानी कि ऑप्शन ए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इस ग्राफ के, इस ग्राफ को देखना है और इसमें बताना नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ग्राफ के केस में आप याद रखेंगे एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट किया जाएगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इस केस में आप देखोगे तो एक्स एक्सिस को तीन पॉइंट पर कट किया गया है, यानी इसके नंबर ऑफ जीरो जो जाएंगे वो तीन। अगर इसी एक्स एक्सिस को केवल दो पॉइंट पर कट किया गया होता तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होते वो कितने हो जाते, दो हो जाते। अगर इस एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर कट किया गया होता तो इसके नंबर ऑफ जीरोज केवल वन हो जाते। ठीक है, इसी एक्स एक्सिस को अगर चार पॉइंट पर कट किया होगा था, एक दो तीन और ये चार, तो इसके नंबर ऑफ जीरो चार हो जाते। वाई एक्सिस पे कट करने से नंबर ऑफ जीरोज पता नहीं चलता है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो तभी पता चलेगा जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। एक्स एक्सिस पर कट जितने पॉइंट्स पे होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ओके आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा वो हमेशा पैराबोला का, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो होगा ना वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट होता है। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक तभी रहेगा जब ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा और साथ में ये ए बी और सी जो होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, आर रियल नंबर, ए बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बस ए जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको जीरो के इक्वल करोगे ना ए को, तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे ये टर्म ही गायब हो जाएगा, तो लिनियर बन जाएगा, क्योंकि केवल बचेगा क्या मेरे पास बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो कभी भी जो ए होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोला शेप में होता है। ठीक है, पैराबोला शेप में होगा, पैराबोला शेप यू शेप ऐसे दिखता है। ओके, तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। देख लेते हैं क्या क्या। अगर ये ए जो है ये ग्रेटर देन जीरो है तो जो ग्राफ होगा ना वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि कुछ इस तरह का बनेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। वही अगर ए लेस देन जीरो है तो जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। ओके, क्या बनेगा, डाउनवर्ड, यानी कि जो ग्राफ देखने को हमें मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। पैराबोला तो होगा ही, क्योंकि क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो पैराबोला शेप में होगा यानी यू शेप में तो होगा ही। ठीक है, लेकिन ए लेस देन जीरो यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो, अगर नेगेटिव नंबर है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो। और क्या क्या याद रखना है, कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ सारा पॉइंट्स इससे रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड। एक बार फिर दोबारा देख लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, मुझे ये कंफर्म पता है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा। पहला कंडीशन क्या है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या कंडीशन है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपने कैलकुलेट किया, यानी एक्स का कोफिशियंट बी, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट ए और कॉन्स्टेंट सी, इन यहाँ से वैल्यू निकालोगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आता है तो जो ग्राफ होगा, ठीक है, ये ए इज ग्रेटर देन जीरो है इस वजह से अपवर्ड तो जाएगा ही, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है इसलिए ये दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, यानी कि इस तरह का ग्राफ बनेगा। सेम यही चीज अगर इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो और ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो ये एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच करेगा, किसी भी एक पॉइंट पे टच करेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि a ग्रेटर देन जीरो इसके वजह से अपवर्ड, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो गया इसलिए केवल एक पॉइंट पे टच करते हुए चला जाएगा। ठीक है, यानी दो डिफरेंट पॉइंट पे नहीं करेंगे, कितने पॉइंट्स पे, एक पॉइंट पे, या इस केस में कितने पॉइंट्स पे,
दो पॉइंट पे टच करेगा यानी दो पॉइंट्स को कट करेगा, और इस केस में एक पॉइंट को कट करेगा, ठीक है, एक पॉइंट वन पॉइंट्स को टच करेगा। तीसरा केस क्या है कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो ही हो लेकिन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है ये अगर लेस देन जीरो हो गया तो इस केस में ग्राफ तो अपवर्ड होगा ही, लेकिन इस केस में एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर कट नहीं करेगा, ना ही टच करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के एक भी पॉइंट पर टच नहीं करेगा। ओके, आई होप कि क्लियर होगा। अगर आपको नोट करना हो ये सारी चीजें तो आप अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। चलिए इसको इरेज करके अब ए इज लेस देन अगर जीरो होगा तो क्या क्या केसेज होंगे उसको देख लेते हैं। ओके, तो देखते हैं मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है वो तो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये ए, ठीक है, तीन पॉइंट होते हैं, चौथा, ए अगर लेस देन जीरो है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है, तो ये जो ग्राफ होगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और दो पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर अगर देखोगे, ए अगर लेस देन जीरो है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर इक्वल टू जीरो है, तो इसके जो ग्राफ होंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगा ही लेकिन केवल एक पॉइंट पर ही टच करेगा। ये पॉइंट वहीं पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल यहीं होगा, किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, ठीक है, यानी कुछ इस तरह का भी ग्राफ बन सकता है। थोड़ा सा पैराबोला शेप बनाएंगे, थोड़ा सा यू शेप में, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, देख लेंगे। अगर ए लेस देन जीरो है और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो लेस देन जीरो होगा, इस केस में जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगा ही लेकिन ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर भी टच नहीं करेगा। तो ये छह पॉइंट्स टोटल हो गए, इसको आप अपने कॉपी पर लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, सही से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है कि ग्राफ जो होगा अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा। अपवर्ड पैराबोला के लिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो ए है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, राइट। और डाउनवर्ड पैराबोला के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो ए है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, इसलिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, पूछा जा रहा है कि सबसे पहला ऑप्शन है इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पर कट करेगा एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को टच करेगा। ऑप्शन सी है ना ही टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा, और ऑप्शन डी है या तो टच करेगा या फिर इंटरसेक्ट करेगा। ओके, टच करने का मतलब हुआ कि एक पॉइंट पर टच करना, ठीक है। तो देखते हैं सेम वही चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है जो कि वन है, बी जो है एक्स का कोएफिशिएंट, तो बी तो यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट तो है नहीं यानी कि जीरो होगा, और सी कॉन्स्टेंट है वन, इसके लिए बोले थे बी स्क्वायर माइनस फोर इसे फाइंड आउट कर लोगे, तो बी यानी जीरो का स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू वन, सी का वैल्यू वन, तो जीरो माइनस फोर यानी कि माइनस फोर, और माइनस फोर ये बता रहा है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो लेस देन जीरो है, और जब लेस देन जीरो होगा तो मैंने बताया था कि वो तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता है, कट नहीं करता है, इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, तो नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यानी कि ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक इफ द जीरो जब द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर इक्वल, जीरो जो है ना वो इक्वल है, ठीक है, देखेंगे जीरोज इक्वल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होगा ना अगर वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसके टू डिस्टिंक्ट जीरोज निकलेंगे, टू डिस्टिंक्ट जीरोज यानी कि दो अलग अलग जीरो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट आएगा। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ये इक्वल टू जीरो हो जाता है, इस केस में इक्वल जीरो हो जाते हैं, यानी जो दोनों जीरो जब निकालोगे ना वो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। जैसे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर अगर आप सॉल्व करोगे तो इस केस में दोनों जीरो जो निकलेंगे ना वो हर बार टू ही आएगा, पहला भी जीरो टू आएगा, दूसरा जीरो भी टू आएगा, तो इस ये केस कब मिलेगा, इस केस में अगर आप कैलकुलेट करोगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि बी यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट, ए यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और सी यानी कि कॉन्स्टेंट,
तो आप देखोगे बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इस केस में जो जीरो हो जाते हैं वो क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं, इक्वल जीरो हो जाते हैं। वही अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर लेस देन जीरो आ जाएगा ना, तो इसके नो रियल जीरोज निकलेंगे, नो रियल जीरोज, ठीक है, यानी कि जो जीरो होगा ना वो रियल नंबर पॉसिबल नहीं होगा। इस पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि जो जीरोज है वो क्या है, वो इक्वल है। जीरोज इक्वल तो तभी होगा जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होगा वो इक्वल टू जीरोज हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू आप बोल सकते हो फोर ए सी, किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यानी कि फोर ए सी जो है ये तो पॉजिटिव नंबर है। अब ये फोर ए सी पॉजिटिव कब होगा, ये तो डिपेंड फोर पर नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, ए और सी पे, क्योंकि फोर तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है। अब ये ए और सी के मल्टीपल पे डिपेंड करेगा कि कब पॉजिटिव आएगा। तो जाहिर सी बात है ए और सी पे डिपेंड कर रहा है, तो या तो दोनों ए भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है तो आएगा, या फिर ए भी निगेटिव हो तो सी को भी निगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो आप प्लस आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों निगेटिव हो जाए। यानी कि अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ लिखा गया सी एंड ए हैव द सेम साइन, तो सी और ए के पास सेम साइन होना चाहिए, या तो दोनों प्लस का होना चाहिए या फिर दोनों माइनस का होना चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है। यानी कि इसके लिए क्या हो गया, ऑप्शन सी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोज, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोज, यानी कि डिफरेंस ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा माइनस बीटा, इसका जो स्क्वायर है ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि क्या है, ये 144 है, ओके, और मुझसे पी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ओके। अब ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब देखो इसे अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इक्वल टू 144, ओके। इस केस से आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इस केस से आप सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर सकते हो, जो माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स, कॉफिशियंट ऑफ एक्स यानी कि पी डिवाइड बाई कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि वन, यानी कि माइनस पी होता है, और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर सकते हो कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म इस केस में 45 होगा डिवाइड बाई कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि वन, यानी कि अल्फा इंटू बीटा 45 होगा। ये दो चीजें आपको पता है पहले से, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो इसका यूज करना होगा मुझे। यहाँ आप देखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो मुझे ये अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं इसे लिख रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, मैं खुद से लिख ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं माइनस फोर अल्फा बीटा कर दे रहा है, ठीक है, इधर 144 वैसे के वैसे ही रहेगा। ये एक्चुअल में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का टू अल्फा बीटा, और यहाँ पर भी माइनस टू अल्फा बीटा था, बस मैंने माइनस टू अल्फा बीटा को थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लिया, क्यों, ताकि ये जो है ना इतना, ये जो है, ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाए, ओके। और यहाँ हो गया माइनस फोर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है मुझे कि माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ माइनस फोर अल्फा बीटा मुझे पता है कि ये वन सॉरी 45 है, तो इक्वल हो गया 144 के, माइनस पी का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 180 हो जाएगा, और ये इक्वल हो गया 144 के, ओके। माइनस से आप एलएचएस से आरएचएस में भेजोगे तो 144 प्लस 180 यानी कि ऐड करोगे तो ये 4324 का पी स्क्वायर, और जब आप इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड रूट जाएगा, और जब भी रूट जाता है उसके आगे एक प्लस और एक माइनस का साइन आ जाता है, तो क्या हो गया, प्लस माइनस 80, ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। यानी कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करोगे, अल्फा इंटू बीटा, और आप इसे कन्वर्ट करोगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को, ठीक है। आप या तो डायरेक्टली इसके लिए फॉर्मूला याद कर लो,
कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है, या फिर आप इस स्टेप्स के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां मुझे जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3 दिया है। जीरोस फाइंड आउट करने का तो एक ही तरीका है कि पूरे पॉलीनोमियल को जीरोस के इक्वल कर दे और उसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर ले। दूसरा, अगर ऑब्जेक्टिव आता है आपके सामने, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ये ऑप्शन भी बारी बारी से पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऑप्शन भी पुट करके चेक कर सकते हो किस केस में सेटिस्फाई कर रहा है, किस केस में सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। फिलहाल मैं इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, ये ज्यादा बेटर वे होगा। ठीक है, क्योंकि चार चार ऑप्शन चेक करना, वैसे इस केस में दो ही ऑप्शन चेक करेंगे तो हो जाएगा। सपोज करो आपने एम चेक किया और एम चेक करने पर नहीं हुआ, यानी जीरो के इक्वल नहीं हुआ, तो एलिमिनेट के एम अगर एलिमिनेट होगा तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एक साथ एलिमिनेट हो जाएगा। तो बस आपको एम प्लस थ्री पे चेक करना होगा, अगर एम प्लस थ्री भी नहीं हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा, और अगर स्कोर हो गया ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। खैर, मैं बिना ऑप्शन का इसी को एलिमिनेट करके करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखेंगे, इसे जीरो के इक्वल किया हमने, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसे आप मल्टीप्लाई करते हो ना, इसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री आएगा, उसी को स्प्लिट करते हो दो पार्ट में। दो पार्ट में आप स्प्लिट करोगे तो एम प्लस थ्री और एक पार्ट हो जा रहा है एम। ठीक है, तो बस उसी को लिख रहे हैं। ठीक है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, क्योंकि दो तो मल्टीप्लाई करने में माइनस का आया था, एक आपका प्लस का होगा और एक माइनस होगा, तो मैं इसे माइनस का कर दे रहा हूँ इसे प्लस का, क्योंकि अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो एम माइनस एम और माइनस थ्री, और मुझे बीच वाला वैल्यू कितना लाना है, माइनस थ्री लाना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसे एम एक्स माइनस एम प्लस थ्री इंटू एक्स। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ओके, आई होप कि क्लियर हो, आप थोड़ा देख लो। यहां से अगर मैंने x कॉमन लिया तो आपका यहाँ x बचेगा और यहाँ m बचेगा। इस केस में मैं m प्लस थ्री अगर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आपका x बचेगा, माइनस और m प्लस थ्री कॉमन जा चुका है तो प्लस m बचा, इक्वल टू जीरो। x प्लस m कॉमन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी x प्लस m और यहाँ पर भी x प्लस m है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा x माइनस एम प्लस थ्री, ओके, इक्वल टू जीरो। बारी बारी से दोनों को जीरो की इक्वल करेंगे, इसे भी हम जीरो की इक्वल करेंगे और x माइनस एम प्लस थ्री को भी जीरो की इक्वल करेंगे, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा माइनस एम और यहां से x का वैल्यू आ जाएगा एम प्लस थ्री। ठीक है, ऑप्शन अगर मैच करोगे तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, कि ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें दिया गया था जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये जो जीरोज फाइंड आउट करना है इस पॉलीनोमियल का जो कि ऑलरेडी रूट में है। ठीक है, अब इस तरह के पॉलीनोमियल का हम जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। दिया हुआ है रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर रूट थ्री। ठीक है, जीरो फाइंड आउट करने के पहले मैंने इसको जीरो की इक्वल कर दिया। अब क्या करेंगे, रूट ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है रूट थ्री और ये जो कांस्टेंट टर्म, इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फोर रूट थ्री और रूट थ्री को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो रूट थ्री और रूट थ्री हो जाएगा, फोर थ्री जो ट्वेल्व हो जाएगा। अब ट्वेल्व को इस तरीके से ब्रेक करना है, ठीक है, कि ऐड करें तो माइनस एट आ जाए। ओके, तो मैं देख रहा हूँ कि इसको माइनस सिक्स और माइनस टू में अगर ब्रेक करूंगा तो ऐड करने पे तो मुझे माइनस एट मिल जाएगा, और वापस से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ट्वेल्व मिल जाएगा। तो मैं इसे ब्रेक कर ले रहा हूँ, रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और माइनस टू एक्स में यहाँ पे प्लस का फोर रूट थ्री है, ये इक्वल हो गया जीरो के। अब मुझे कॉमन लेना है, अब देखोगे यहाँ रूट थ्री में लिख रहा हूँ और यहाँ सिक्स है तो सिक्स यहाँ पर लिखता हूँ। रूट थ्री को ब्रेक करके तो रूट थ्री लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जा सकता है। सिक्स को लिख सकते हैं टू इंटू थ्री, ऐसे रूट थ्री को देखकर मैं उस थ्री को दो बार रूट में लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे एक रूट थ्री तो दोनों के पास कॉमन हो जाएगा, तो मैं एक रूट थ्री और साथ में एक एक्स दोनों के पास है तो ये कॉमन ले लिया,
तो यहाँ तो केवल x बचा, लेकिन 6 से रूट थ्री कॉमन लेने के बाद अभी बचा हुआ है 2√3। ओके, यहाँ पर देखोगे यहाँ से -2 मैंने अगर कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर x बचेगा, इस 4 से 2 जाने के बाहर जाने की वजह से यहाँ पर 2 बचा और ये √3 तो बचा ही है, ये हो गया इक्वल टू 0। ये दोनों में है इसलिए दोनों जगह से मैं कॉमन ले लेता हूँ x -2√3, तो मेरे पास बच जाएगा अगले ब्रैकेट में √3x -2 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से हम 0 करेंगे तो x -2√3 0 की इक्वल हो जाएगा, और क्या, और √3x -2 इक्वल टू 0। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 2√3, और यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 2/√3। ये ऑप्शन में आप चेक करोगे तो ऑप्शन में आपको मिल रहा है ऑप्शन डी में। एक चीज और ध्यान रखेंगे, कभी कभी इस वैल्यू को हो सकता है वो रेशनलाइज करके दे दे, यानी इसके जगह पे अगर आप रेशनलाइज करोगे तो √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, ये 2√3/3 तो हो सकता है किसी केस में ऑप्शन में आपको ये दिखे। ठीक है, तो वहां पर चेक कर लेंगे अगर डायरेक्ट आपको मिलता है तो, या फिर रेशनलाइज करने के बाद भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मुझे फाइंड आउट करना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और अल्फा और बीटा कौन है, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले मैं अगर अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करूँ तो सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स, इस केस में कॉफिशियंट ऑफ एक्स जो है वो -4 है, डिवाइड बाई कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 2 है, तो ये +4/2 ये 2 हो जाएगा। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने की कोशिश करूँ तो ये c/a यानी कि 5/2 होगा। अब ये निकाला क्यों गया देखेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, एक पीछे हमने क्वेश्चन किया था जिसमें इसको यूज किए थे डायरेक्टली कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4α/β लिख सकते हैं। ठीक है, वहां बोला था याद करने के लिए, फिर भी एक बार इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर भी मैं कर दे रहा हूँ दोबारा, क्या कि कैसे आएगा देखेंगे। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो एक्चुअल में ब्रेक हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2α/β। ओके, मैं इसे लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2α/β -4α/β। आप ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2α/β ही मिलेगा। ये जो टर्म मिला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2α/β, ये एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है -4α/β। ओके, ये इसलिए कैलकुलेट क्योंकि मुझे इस पॉलिनोमियल से मैं अल्फा और प्लस बीटा निकाल सकता हूँ और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकता हूँ, यानी सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड आउट कर सकते, इसलिए यूज किया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, -4α/β 5/2 था तो ये 5/2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसे कैंसिल करेंगे आप 2 टाइम्स तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा -6, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा क्या अल्फा और बीटा, यानी कि यहाँ पर मैं जीरो फाइंड आउट करके अल्फा को अलग और बीटा को अलग फाइंड आउट करके क्या टाइम पुट कर सकता था, कर सकते थे, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसमें आसानी से ये सॉल्व नहीं होता, ठीक है, उस केस में आप फंस जाओगे, तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की हेल्प से ही इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एक जीरो जो है वो 6 है, यानी कि मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो 6 है, बीटा के बारे में कुछ पता नहीं है, और साथ में दिया हुआ है सम ऑफ जीरो जो है वो 6 है, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है 0, तो मुझे तो अल्फा पता है कि 6 है, तो 6+β का अगर वैल्यू मैं रखता हूँ 0 तो यहाँ से जो बीटा का वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा -6। ओके, तो बोला जा रहा है कि ये कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है जिसका एक 0 6 है और सम ऑफ 0 0 0 है। ठीक है, ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करने का तरीका दिया ये, x²-α+β(x+α/β), और चाहे हम तो इसे पूरा किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इसको चेक कर लेते हैं, ये हो गया x²-α+β का वैल्यू तो 0 है, तो 0 × x हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू पुट करना α × β, तो α × β कैलकुलेट कर लेते हैं, अल्फा का वैल्यू मेरा 6 आया,
बीटा का वैल्यू -6 आया, यानी कि -36। तो आप यहाँ पे पुट करोगे -36। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर 0 × x 0 हो जाता है, प्लस माइनस -36। तो ये ऑप्शन ए हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में दिया गया है, अल्फा और बीटा जो है वो जीरोज हैं इस पॉलीनोमियल के, और मुझे सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल निकालना है। ठीक है, यानी जीरोज के रेसिप्रोकल। ओके, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज, ठीक है, ये निकालना है मुझे। देयर रेसिप्रोकल मतलब है जीरोज के रेसिप्रोकल निकालना है, यानी कि एक्चुअल में मुझे फाइंड आउट करना है 1/α प्लस 1/β। ओके, अगर ये फाइंड आउट करना है, आप अगर एलसीएम लोगे तो ये अल्फा इंटू बीटा आएगा, अल्फा से डिवाइड करोगे तक अल्फा अल्फा कैंसिल और बीटा बचेगा, बीटा कौन सा मल्टीप्लाई की तो ऊपर बीटा आ जाएगा। ओके, बीटा से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बीटा अल्फा हो जाएगा और अल्फा इंटू 1 अल्फा हो जाएगा, तो ऊपर आप देखोगे तो एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा है और नीचे अल्फा इंटू बीटा है। ओके, इस केस के लिए अगर आप सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करोगे, ये आएगा माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स जो कि -7 है, डिवाइड बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 5 है, यानी कि 7/5। और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर फाइंड आउट करोगे तो कॉन्स्टेंट टर्म जो कि यहाँ 2 है, डिवाइड बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 5 है। ठीक, बस यहाँ से वैल्यू निकाल कर पुट कर लेते हैं, तो ये 7/5 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2/5, 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 7/2। ओके, तो यहाँ रेसिप्रोकल का जो सम है वो क्या है, 7/2 है, यानी कि ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हु जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इसके जो जीरोज है ना उसका रेसिप्रोकल, ठीक है, उसके रेसिप्रोकल जो है वो किस पॉलीनोमियल का जीरो जो वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हेल्प से, अगर ये इस पॉलीनोमियल के हेल्प से अगर मैं यहाँ सम ऑफ जीरो निकालूँ यानी अल्फा प्लस बीटा निकालूँ तो वो आ जाएगा -b/a। ओके, और इसी के हेल्प से अगर मैं अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालूँ तो वो आ जाएगा c/a। ओके, नाउ जो मुझे नया पॉलीनोमियल चाहिए, नाउ फॉर न्यू पॉलीनोमियल, जो मुझे नए पॉलीनोमियल के बारे में पता करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो नए पॉलिनोमियल का जो जीरोज है, फॉर न्यू पॉलिनोमियल जीरोज आर, ठीक है, जीरोज जो है वो तो पुराने वाले पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज के रेसिप्रोकल है, यानी पुराने वाले जीरोज का हमने अल्फा और बीटा माना था, तो नए वाले पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा 1/α और 1/β होगा। अब मैं यहाँ पर निकालता हूँ नए वाले पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोज, तो क्या आएगा, वो आएगा 1/α प्लस 1/β। ओके, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, आप एलसीएम लोगे अल्फा से अल्फा डिवाइड, तो यहाँ पे बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा डिवाइड करोगे अल्फा और अल्फा इंटू 1 अल्फा, तो ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे पता है -b/a है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है c/a, ये आ रहा है -b/c। ओके, नए वाले पॉलिनोमियल के लिए अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे तो ये आएगा 1/α इंटू 1/β। ओके, यानी कि 1/α β। यहाँ अगर आप देखो 1α β मतलब c/a, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा a/c, ये आया मेरा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, और आपका जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और चाहो तो आप इसे किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज लिखोगे तो -b/c इंटू एक्स प्लस a/c। इसे अगर आप सॉल्व करते हैं, एलसीएम सी ले लेता हूँ, तो ये सी एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस का bx हो गया और प्लस a हो गया। ठीक है, 1/c चूंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हो, मेरा आ रहा है सी एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस a,
ठीक है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो वो मैं रिप्लेस भी कर सकता हूँ, हटा भी सकते हैं, ठीक है। यानी कि सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, तो ये हो गया मेरा ऑप्शन सी। आई होप कि ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर में, 33 में दिया गया है कि एक एक्स स्क्वायर प्लस 88 एक्स प्लस 125 जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसके जीरोस के बारे में बताना है कि दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों जीरो जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या फिर दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप सिंपली पहले पता करो, जैसे कि मान लेते हैं इसके जो जीरोज है ना वो अल्फा एक है और दूसरा जीरोज बीटा है, ठीक है। अब देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका जीरोज निकालना, देख लें दोनों जीरोज कौन कौन से होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी जाएगा। इसका दूसरा तरीका है कि आप क्या करो, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करो। अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करोगे वो होगा माइनस बी बाई ए, यानी -88/1। वन लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आएगा सी बाई ए, यानी 125/1। वन ना लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। यानी कि ये बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो कैसा वैल्यू है, वो निगेटिव वैल्यू है। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो कौन सा वैल्यू है, वो पॉजिटिव वैल्यू है। अब बताओ, दो नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना और पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब दोनों के दोनों या तो प्लस के होंगे, तभी तो प्लस, और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, या फिर दोनों का दोनों निगेटिव के होंगे, ताकि निगेटिव और निगेटिव को माइनस करें तो पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप यहाँ पर जाकर अगर दोनों पॉजिटिव को अगर ऐड करोगे तो कभी भी निगेटिव तो नहीं आने वाला है, यानी कि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। दोनों के दोनों निगेटिव हैं, मैंने मल्टीप्लाई किया तो इस केस में तो प्लस आ गया, लेकिन दोनों निगेटिव को अगर जाकर आप ऐड करोगे, यहाँ जाकर ऐड किए तो ये निगेटिव ही देगा, ठीक है। यानी कि मेरा जो वैल्यू पॉसिबल है अल्फा और बीटा, वो दोनों के दोनों निगेटिव होंगे, तो ऑप्शन बी बोथ निगेटिव, ठीक है। तो आपको इस केस में इसकी जीरोज एक्चुअल में फाइंड आउट नहीं करने पड़े, ठीक है। तो आप इस तरीके से आराम से सोच सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 में दिया गया है कि अल्फा और बीटा जो है वो जीरोज हैं इस पॉलीनोमियल के, मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता करना है, ओके। तो देखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में यहाँ पे प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड कर देता हूँ और इसी को माइनस कर देते हैं, ये ओवरऑल तो जीरो हो जाएगा। यानी कि अभी भी ये लिखा हुआ है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही एक्चुअल में लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म चेंज करने का फायदा क्या हुआ, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -2 अल्फा बीटा। इससे क्या फायदा हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा मुझे पता चल जाएगा, यानी कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, यानी माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स, कॉफिशियंट ऑफ एक्स कौन, -4 डिवाइड बाई कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2, ये हो गया 4, 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2, ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर माइनस। अब मुझे पता करना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है, जो होता है कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि 5 डिवाइड बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि इसके जगह पर आप वैल्यू पुट करोगे 5/2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल यानी -5, तो 4 -5 कितना हो जाएगा -1, यानी कि ये हो गया ऑप्शन सी, ओके। चलिए 35 नंबर करते हैं। 35 में दिया गया है कि अल्फा और बीटा जो है ना वो जीरोज हैं इस पॉलीनोमियल के, और साथ में ये एक कंडीशन दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये 21/4 हो रहा है। तो बताइए कि के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा, ओके। तो देखेंगे, ये भी सेम उसी तरीके से करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो यहाँ से होगा माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो कॉन्स्टेंट टर्म जो कि की है और डिवाइड बाई कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और जो कंडीशन मुझे दिया गया है, ठीक है, इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का जो वैल्यू दिया है ये दिया है 21/4। अगर इसके जगह अगर ये दिया होता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो मैं इसे कन्वर्ट कर सकता अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। मैं इसे लिख देता हूँ, तो मैंने एक अल्फा बीटा ज़्यादा लिख दिया, तो एक अल्फा बीटा हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि इसको अगर आप माइनस करोगे 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा आएगा। यानी कभी भी एक्चुअल में ऊपर वाला ही वैल्यू लिखे हैं, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया फॉर्मेट। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यह हो गया माइनस अल्फा इंटू बीटा, और ये हो गया 21/4। अब अगर आप देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है -5/2। मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ -5/2, इसका स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू k/2 है, मैंने यहाँ k/2 पुट कर दिया, ये हो गया 21/4। ओके, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। ये प्लस का वैल्यू है, LHS में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और 25/4 ये 21/4, और जो LHS में माइनस का k/2 है वो RHS में गया तो प्लस का k/2 हो गया। आप सॉल्व करेंगे तो 4 25 माइनस 21 इज इक्वल टू k/2, तो ये आ गया आपका 4/4 इक्वल टू k/2। ओके, तो आप देखोगे 4/4 तो 1 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू k/2। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया तो 2 इज इक्वल टू k, यानी k का जो वैल्यू है 1 है 2 है, तो ये हो गया ऑप्शन मेरा डी। ठीक है,